हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय भारत। तो आज हमारे साथ है ऐसी शख्सियत जिनको की परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है और बॉलीवुड में इनकी धाक है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा कंगना रनावत का। ताली बजाने को किसको बोला? मेरे को तो मतलब यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा, किसी को बुलाया नहीं आपने? अरे बेटा, हमारे दर्शक देख रहे हैं ना आपको। ओ, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, धन्यवाद कृष्णा जी, धन्यवाद। वैसे भी आपको बुलाता ही कौन है अपने चैनल में। क्या आपने कुछ कहा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। वैसे सच कहूँ कृष्णा जी, मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है कि मेरी मम्मी ही मेरा इंटरव्यू ले रही होगी। हाँ बेटा, हमारे चैनल में सबको अच्छा है, ऐसे ही लगता है। अच्छा, सबको ऐसा लगता है? मुझे लगा, मुझे पहली बार मतलब बहुत अच्छा लग रहा है वाकई। और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि कंगना रनावत मेरे सामने बैठी हुई है। मतलब बहुत इंटरव्यू बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ जी, तो कुछ पूछना चाहेंगी आप मुझसे? जी हाँ, पूछने के लिए तो बुलाया आप। मेरा पहला सवाल कि आप इतनी अच्छी कैसे हो गई, इतनी मोटी कैसे हो? मेरा पहला सवाल जी कि आप इतनी छोटी हिमाचल की छोटी सी लड़की और आप में इतनी हिम्मत कैसे आ गई? किसी के सामने भी आप डरती नहीं हो, जी, जी, कुछ भी बोल लेती हो और बेहिचक बोलती हो, बेधड़ाक से बोलती हो। और आप लोगों को आप इसलिए बोल नहीं बुखा मैंने कि चैनल में कौन बुला था, इसलिए नहीं बुलाते कि ये लड़की फट से कोई भी जवाब दे देती है और सब आपसे डरते हैं। मेरा यही है कृष्णा जी, जैसे कि मैं जब पहली बार हिमाचल से बॉलीवुड में गई थी, लोग मुझे वहाँ परेशान करने लगे, कई तरह की चीज़ें करने लगे, क्योंकि मैं आउटसाइडर थी, नेपो किड नहीं थी। जैसे कि आप जानते ही होंगे, नेपो किड बोलते रहते हैं, तो लोग मेरे पीछे पड़ गए। मैं कुछ करना चाहूँ तो मेरे पीछे पड़ गए, मुझे इंग्लिश नहीं आती, लोग मुझसे बोलते थे तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, लो क्लास, और सब मेरे पीछे। ऐसा होता है ना, जैसे क्लास में सब बैठे हुए हैं और फिर एक बच्चे को बुली किया जा रहा है, उसको परेशान करके रखा है इन लोगों ने। तो मैंने तब सोच लिया था कि अब तो मैं इनकी बैंड बजा के रखूंगी। मेरे जैसे कि फिल्म आई थी पद्मावत, मेरी पद्मावत आई थी नहीं, मणिकर्णिका आई थी। एक्चुअली इन लोगों ने मुझे इतना डिप्रेशन में डाल दिया था कि मैं परेशान हो गई, अपनी फिल्में भूल चुकी हूँ, लेकिन मैंने हिम्मत की। उसके बाद जब मेरी मणिकर्णिका आई, तो मेरे इस फिल्म के मैंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई, सबने मेरा मजाक उड़ाया कैसी फिल्म है, और सब मेरे पीछे पड़ गए कि क्यों बना रही है ऐसी फिल्में। मैंने बोल दिया कि झांसी की रानी मेरी चाची तो थी नहीं, मैंने सब बोल दिया। हाँ। मैंने बोला वो हमारे देश की रानी थी, सबकी रानी थी, और मैं तो फिल्म बनाऊंगी, मैं दिखाऊंगी कि इतनी साहसी वो महिला थी और सबको उनकी कहानी पता चलनी चाहिए, इसीलिए मैंने वो कहानी बनाई। तो लोग मेरे पीछे पड़ जाते उसके बाद, लेकिन मैंने बोल दिया कि ये जिस तरह से बॉलीवुड ये घेर देता है एक इंसान को जो बाहर से आता है, अब सभी जानते हैं, तो इसीलिए मैंने इनकी बैंड बजाने का सोचा और मैंने बजा दी। जी बिल्कुल। और जैसे मैंने समाचार देखती रहती हूँ मैं, तो मैंने देखा मुंबई में कितना परेशान किया था इन लोगों ने तुमको, तो आपको आपने ये सिचुएशन कैसे संभाली और कैसे आप आगे बढ़ी? जैसे कि मैंने बताया ही आपको कि मैं लड़ती रही, और मैं सबको कहना चाहती हूँ जो भी छोटे शहरों से बड़े शहरों में जाते हैं, अगर आपको कोई परेशान करने की कोशिश कर रहा है, आपको कोई नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आप सीधे उसको काम से, अपने काम से दिखाइए कि आप बड़े हैं, और यही सब मैंने किया फिर। बिल्कुल बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे बच्चों से, और मैं तो अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि कभी परेशान नहीं होना है। कृष्णा जी, आप अपने बच्चों पे आ जाती है, मतलब हमेशा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम घर की बातचीत, वैसे मुझे अच्छा भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है घर की बातचीत करने आए। हाँ बिल्कुल, मुझे तो तुम अपनी बेटी जैसी लग रही हो, ऐसे लग रहा है मेरी बेटी है। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जैसे ये जर्नलिस्ट जो होते हैं मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मैगजीन में कुछ भी छाप देते हैं, लेकिन आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है कि वाकई आप मुझे अप्रिशिएट कर रही हो, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा। बेटा आप हिमाचल से मुंबई कैसे गई? मैं कैसे गई? बस गई। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको बाद में पता चलेगा। तो हिमाचल से मुंबई, देखिए मैं पहले से ही फिल्म देखने की शौकीन थी, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था जिस तरह से वो डायलॉग बोल रहे हैं और सब चीज़ हो रहा है फिल्मी दुनिया, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। और बहुत नई चीज़ थी, क्योंकि हमारे हिमाचल थोड़ा पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर ये सब चीज़ें कम होती है, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना जाया जाए, और उसके बाद मैंने ये सफ़र शुरू किया। शुरू में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, और फिर
बाहर की दुनिया, मुंबई माया नगरी की दुनिया, लेकिन धीरे धीरे सब हो गया, लोगों ने पसंद किया। लेकिन उसके बाद जब मैं बहुत ज़्यादा फेमस होने लग गई तो जैसा होता ही है कि जलन होने लग गई सबको, तो सब मेरे पीछे पड़ने लग गए। तो बस यही स्टोरी थी मेरी, और आज आपके सामने हूँ, इतने बड़े चैनल में हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी फेवरेट फिल्म का कोई डायलॉग? हाँ, मेरी जैसे कोई फेवरेट फिल्म है, जैसे कि तनु वेड्स मनु को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था, उसका अगला पार्ट भी आया था, तो उसमें जब शर्मा जी मेरे सामने बैठे रहते हैं, मैं उन्हें बोलती हूँ अदरक हो गया ये आदमी, कहीं से भी बढ़ रहा है। आप भी थोड़ा बढ़ गई हो। आप मेरा मजाक उड़ा रही है। आपने एक्चुअली आंटी वो लॉकडाउन में बहुत सारा मतलब यू नो खाया और फिर बैठे रहे, अच्छा। उसकी वजह से थोड़ा सा टेंशन भी हो जाता है, तो इंसान थोड़ा फूल जाता है, तो वही हो गया। वैसे तो आई एम अ फिट फाइन गर्ल। अच्छा, तो डायलॉग बोलिए। डायलॉग बोलिए, मतलब कितने डायलॉग सुनने हैं आपको? अच्छा, मेरा एक और डायलॉग है कि जब मैं क्वीन फिल्म में मैं जब बाहर जाती हूँ और विजय मुझे छोड़ देता है, तो मैं बोलती हूँ कि अकेले ही मैं लंदन घूम रही हूँ, अकेले ही आईफिल टावर देख रही हूँ, अकेले ही सब कुछ कर रही हूँ, ऐसा ही कुछ डायलॉग था जी। तो वो भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। अच्छा बेटा, एक फिल्म थी जिसमें कि आप हरियाणी लड़की बनी थी। जी जी जी, हाँ। ये फिल्म भी मैं आपको बता दूं कि तनु वर्स मनु का ही सेकंड पार्ट था, उसमें मैं वो भी बनी थी दूसरी लड़की, और फिर मैं हरियाणवी भी बनी थी उसमें। और फिर मेरा जो हरियाणा वाला किरदार था वो बहुत सराहा गया था, उसे अप्रिशिएट किया गया था। लेकिन मुझे डायलॉग थोड़ा सा याद नहीं होगा, मुझे थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा टफ डायलॉग है वो। कोई बात नहीं। तो ये वाला डायलॉग था, महाना नाम कुसुम सांगवार, ये हमारी दोस्त है पिंकी, मैं रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ूसू, स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन लिया, नेशनल लेवल की एथलीट्स हूँ, जिला झाझर 12 45 07, और फोन नंबर मैं दो को ना। तो बहुत अच्छा लगा था मुझे ये बोल के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, ये उत्तराखंड का चैनल है। जी जी जी। तो अपने फैंस के लिए कुछ बोलना चाहोगे? जरूर, मैं कहना चाहूंगी कि उत्तराखंड मेरा, मुझे सच में, जैसे हिमाचल भी पहाड़ी इलाका है, उत्तराखंड हिमाचल थोड़ा सा सिमिलर होता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं कभी उत्तराखंड घूमने आती हूँ, हिमाचल जाती हूँ, और उत्तराखंडी मैंने सीखी भी है जी। वो सुनाऊं मैं आपको, अगर गंदा गलत बोलूँ तो मुझे माफ करना। तो उत्तराखंड में जैसे बोलते हैं कि कंछ बुली कगजाड़ी छाई, और वो बहुत अच्छा लगता है, और बड़े प्यार से बोलते हैं लोग। हिमाचल में भी हमारे उसी तरह से बोलते हैं। और खाने में जैसे कि मुझे कोदे रोटी बहुत पसंद है, और कंडली की भुजी जानते हैं आप? कंडली की भुजी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब मैं मम्मी से बोलती हूँ कई बार कि कंडली की भुजी बना दो, कंडली की भुजी बना दो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उत्तराखंडी पीपल, यू नो। और जो बाहर के जो ये दिखावा करते हैं, ये लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बाहरी लोग। और ऐसा नहीं है कि बाहर में सब गंदे ही लोग रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं ये दिखावा करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, तो ये लोग मुझे फिर पसंद नहीं आते। फिर मुझे उत्तराखंड और हिमाचल के जो सीधे साधे लोग होते हैं वो अच्छे लगते हैं। अच्छा, बहुत बड़े बेटा, मैंने जैसे ही सुना कि आपको उत्तराखंड के लोग पसंद है, तो मेरी नज़र में एक लड़का है, क्या आप उससे शादी करोगी? अब तो मतलब फिर से मेरी शादी में तो। हाँ, क्या करता है लड़का? अच्छा बेटा, वो गढ़वाल का लड़का है, उसके 4 तो पोली हाउस है और 2 मुर्गी फर्म है, और बहुत बड़े खेती बाड़ी भी करता है, तो ठीक रहेगा क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद है। और मैं कभी ऐसे नहीं सोचती कि ये काम, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं तो सोचती हूँ कि जिसकी खेती हो, जिसके पॉली हाउस हो, मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा उससे शादी करके, अगर वो नेचर वाइज बहुत अच्छा होगा। जैसे कि मैंने दुनिया देख ली है और मैं परेशान हो गई लोगों से, तो सीधे साधा कोई भी चलेगा। आंटी अब मुझे भेज दीजिएगा उसका कॉन्टैक्ट नंबर। का पक्का जी, पक्का पक्का जी। तो एक गाना हो जाए। देखिए, मेरी आवाज़ तो आपको पता है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं चलिए सुना देती हूँ, आप इतने प्यार से बोल रही हैं। तो धुम धड़ाक घूमने चले ले लद्दाख, आलू की बोरी कर की छोरी कुकड़ी का तेल, भाई साहब जी हम मनाली के आलू, मतलब ये गाना बोल रहे कि हम मनाली के हैं, तो हिमाचल में ही मनाली है, तो उसी तरह का ये गाना है। तो पूरा गाना गाओ, बस इतना ही है। थैंक यू आंटी। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हम फिर से दूसरे एक्टर को बुलाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, मुझसे तो पूछ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे जैसे जो आपका क्रू है, कैमरामैन है, उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया, और आप भी, और बहुत अलग ये इंटरव्यू था, तो बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद बेटा।
दोस्तों, दिस इज इट। मतलब बहुत ही आफत आ गई यार आज इसे शूट करने में। हमने सोचा कुछ नया करे, और मम्मी तो वैसे बड़बड़ लगी रहती है, लेकिन आज तो मम्मी ने इतना परेशान कर दिया डायलॉग में। बिहाइंड द सीन देखना, मतलब मजा भी आया। अरे बेटा, मैंने इसलिए किया ना, क्या मैंने कहा इतनी जनता देगी, कहीं मैं सही से बोल ना पाऊँ, तो फिर मुझे तब लगा आपको जरा। चलो अच्छा बोला, आपके बहुत सारे फैंस वैसे ही है, और बहुत अच्छा बोला। धन्यवाद अपने दर्शकों को, सुनिता के दर्शकों को धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें पसंद करने के लिए, और आप साथ ही मेरी जो सिस्टर है मोनिका जुयाल, उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो। तो विज़िट करना अगर आपने उसके चैनल पर विज़िट नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस और चाहते हैं, वैसे तो हम उत्तराखंड के ब्लॉग्स बनाते रहते हैं, थोड़ा डिफरेंट कुछ चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, और नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा कैसा लगा हमारा ये वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हाँ। और अच्छे कमेंट करें, और अगर इसमें ज़्यादा व्यू आ गए तो हम दूसरा कॉमेडी कुछ करने की कोशिश करेंगे आपके लिए, बढ़िया सा कॉमेडी और अच्छा करेंगे। तो बाय गाइस, लव यू। तो आज हमारे साथ है ऐसी शख्सियत जिनको की परिचय की कोई जरूरत नहीं है, इनका जोरदार स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से, और इनका नाम। बेटा मुंबई से हिमाचल कैसे गई? सॉरी, हिमाचल से मुंबई कैसे गई? बिहाइंड द सीन। हेलो गाइस, रुक जा, अभी केवल मैं लाइन की थी। पक्का पक्का बेटा, पक्का बेटा, मैं बोलूंगी ठीक है, फिर एक गाना सुना दो। बोलूंगी गाड़ी से, फिर मैं खुद हंसूंगी, मेरे आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है? वक्त देख के बेटा मेरा सवाल। अरे बेटा वो खोल ही नहीं, वक्त देख। हेलो गाइज, अब मेरा क्या है लाइन, वैसे भी आपको फिर यार। हेलो गाइज, तो आज ऐसी शख्सियत है हमारे साथ, कंगना रनावत, इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा, और इनकी बॉलीवुड में धाक है, इनको परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, ये है कंगना रनावत। वैसे भी बुलाता ही कौन है आपको अपने चैनल में। हेलो गाइस।